हाई माई ब्यूटिफुल कैसे हैं आप सब लोग माई ब्यूटिफुल पीपल आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज तो आज के वीडियो में स्पेशली uh, मैं लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम और सोलम कनेक्शन वालों के लिए कि आखिरकार आपके जो डीएम है जो आपके मिस्कुलर एनर्जी के पीपल हैं वो आखिरकार आपके लिए क्या सोच रहे हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो मैंने पहले यहाँ पे ना मैसेजेस देख लिया है और इसका मैं शफल करके लगाऊंगी यहाँ पे ताकि एनर्जी से स्टिम्युलेट करें कार्ड्स और डीएम के एनर्जीज निकले अच्छे से ठीक है चलिए जी ओके चलिए शुरू करते हैं प्लीज बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ पहले हम लोग ना निकलते के साथ कार्ड देखो सबसे पहले हम लोग ना थोड़ी सी डीएफ की एनर्जीज देखेंगे थोड़ा कम ही देखेंगे आज डीएफ की एनर्जीज के बारे में आप लोगों ने हाईली रिकमेंड किया था कि मैम प्लीज और अब मैं वीडियोस वही बना रही हूं जो कि आप लोग मुझे रिकमेंड कर रहे हैं तो प्लीज अपनी रिकमेंडेशन कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ठीक है और चलिए शुरू करते हैं सो so, डीएम के बारे में डीएफ uh, के बारे में थोड़ा सा कम देखेंगे डिवाइन फैमिनन के बारे में बिकॉज ऑलमोस्ट डिवाइन फैमिनन जो होती हैं वो वीडियो है देख रही होती हैं ओके <laughs> okay? वीडियोज देख रही होती हैं रीडिंग्स में बिलीव करती हैं और स्पिरिचुअल होती हैं बहुत ज़्यादा बिकॉज दे नो अबाउट द ट्रूथ ऑफ दिस जर्नी ओके ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन चलिए शुरू करते हैं पहले थोड़ा सा डीएफ के बारे में देखते हैं फिर उसके बाद में हम डीएम के बारे में देखेंगे प्लीज एंजल्स बताएं कि डिवाइन फैम्स की एनर्जीज क्या चल रही हैं क्या सोच रही हैं डिवाइन फैमिनंस ओके वी हैव एस वॉन्स बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई हैं आजकल बहुत ज्यादा करियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकती हैं मोस्ट ऑफ द डी डी एफ Of Cups, मन में ढेर सारा प्यार लेके बैठी हुई अपने पर्सन के लिए लेकिन बता नहीं रही है बहुत ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा सीक्रेटिव फीलिंग के अंदर बैठी हुई है कि नहीं अब मुझे कुछ शो नहीं करना मुझे कुछ नहीं बताना और ये बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात एरियस लियो सजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो ओके And then we have Taurus, Virgo, Capricorn. किसी तरीके का कमिटमेंट देना चाहती है हो सकता है अपने आप को किसी तरीके का कोई कमिटमेंट देना चाहती है ठीक है ओके देन वी हैव किंग ऑफ कप्स और ये कार्ड आ ही रहा था देख रहे हो आप ओके सो होप सो आप लोगों को कार्ड एकदम दिख रहे होंगे hmm, थोड़ा सा मैं लव ऑरिकल्स को पीछे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अब आप लोगों को कार्ड्स दिखेंगे हम्म, या परफेक्ट ओके से मैं कैमरा थोड़ा और ऊपर लगाया करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से और कार्ड्स दिखे जस्ट अ मिनट हम्म ओके आई होप अब आप लोगों को दिख रहे होंगे थोड़ा सा कार्ड का अरेंजमेंट गलत हो गया चलिए शुरू करते हैं सो so, डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है डीएफ काफी ज्यादा इनोवेटिव हो गई है अपने करियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है अब पहले की तरह रोती नहीं रहती है बिलखती नहीं रहती है बहुत ज्यादा ना एक तरीके से इनोवेटिव हो गई है करियर के अंदर ढेर सारा अबेंडेंस चाहती है बहुत सारा करियर के अंदर ना आगे आगे काम करती जा रही है अपने करियर को लेकर के अपने ड्रीम्स को लेकर के बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो गई है करियर ओरिएंटेड वुमेन बहुत ज्यादा बन गई है मन में ढेर सारा प्यार लेकर बैठी है बट सीक्रेटिव हो गई है विद दिस कार्ड दे ऑल आर वेरी सिक्रेटिव बाय देयर नेचर उनके दिमाग में ये थॉट आ गया है कि आना है तो आओ नहीं आना है तो बाहर में जाओ मुझे कोई मतलब नहीं है ठीक है इस तरीके का थोड़ा सा सेट चल रहा है मन में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ढेर सारी होप है लेकिन इतना सा ही सही पर डर जरूर है विदर कार्ड कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाए और चीजें बदलती चली जाए ओके ओके सो so, अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक चीज जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दैट मीन्स की देख लो यहां पे भी कपल आए हैं ठीक है यानी कि इनके दिमाग में जितने भी डीएफ है ना हमारे उनके दिमाग में बस थौर। एक थॉट ये जरूर चल रहा है दिमाग में एक थॉट ये जरूर चल रहा है कि जो होगा अच्छा होगा और बेस्ट होगा मेरे लिए और ये बहुत अच्छी बात है डीएफ आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी चल रही हैं और ये जो थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है ना आपके दिमाग में विद दिस टावर कार्ड वो देखो ह्यूमन टेंडेंसी है उससे हम हाँ अपने आप को अलग नहीं कर सकते तो आप लोगों का कोई दोष नहीं है लेकिन आप लोगों की जो एनर्जीज है ना काफी अच्छी है काफी अच्छी है आई एम रियली प्राउड ऑफ यू चलिए देख लेते हैं डीएम की क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं डीएम की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं डीएफ्स को लेकर के ओके वी हैव नाइट ऑफ वॉन्स क्या बात है मुझे पता था कि अगर ऐसी एनर्जीज आई हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ही आने वाला है एट ऑफ सोच्स टेन ऑफ कप्स देन वी हैव टेम्परेंस देन वी ओ माई गॉड फोर ऑफ वॉन्स एंड वी हैव फाइव ऑफ बॉन्स ओके एंड द बॉटम ऑफ द डेक डि पावर दिस इज कॉल्ड डिवाइनिक कनेक्शन ठीक है और देखिये सबसे खुशी की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे भी वही सारे साइन प्रोमिनेंट आए हैं जो की डीएफ के लिए आए थे एरिज लियो सेजिटेरियस जेमना लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस सेजिटेरियस यहाँ पे मेन है वहां पे लियो था ठीक है सो so, जैसा कि डिवाइन फैमिनन बहुत ज्यादा खुश है आजकल अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है थोड़ी सी नेगेटिव होकर स्टक हो जाती है ना तो वो थोड़ी सी नेगेटिव होकर स्टक होते हुए यहाँ पे डीएम भी लग रहे हैं मिररिंग करते हो ना आप दोनों एक दूसरे को लेकर के तो वो मिररिंग इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लग रही है ना कि ये पर्सन लड़ाई करके चाहे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो चाहे करियर हो चाहे कोई फ्रेंड हो चाहे कोई लड़की लड़का हो कोई भी कोई भी कोई भी ठीक है उनसे लड़ाई करके ये पर्सन आपके पास बहुत जल्द आ रहा है बहुत जल्द देख रहे हो एक तरीके की शादी का प्रपोजल लेकर के एक तरीके का शादी का कमिटमेंट लेकर के एक खूबसूरत फैमिली बसाने के लिए वाओ ठीक है विद दिस कमिटमेंट टेम्परेंस इज अर्धनारीश्वर कार्ड जो कि एक तरीके से बैलेंस इम्बेलेंस भी शो करता है और कमिटमेंट भी शो करता है और ये चीज होने वाली है आप लोगों के साथ में आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस सीरियसली आप लोगों के काज बहुत अच्छे आए हैं डीएफ एनर्जीज बहुत अच्छी चला रहे हो आप लोग और डीएम के एनर्जीज भी बहुत खूबसूरत चल रही हैं और फिर आप देख रहे हो ना यहां पे भी थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है दैट मीनस कि सेलिब्रेशन आप दोनों हो सकता है मिलके बहुत सारा सेलिब्रेट करो ठीक है किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो आप दोनों के बीच में तो मुझे तो लग रहा है ना फॉर श्योर अक्की बार आ रहे हैं डीएम और किसी तरीके का कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं क्योंकि डीएम क्या होते हैं ना बार बार आते हैं आपको ट्रिगर करते हैं और वापस से चले जाते हैं आपको ना आईना दिखा के चले जाते हैं कि देखो अभी तुम्हारे अंदर ये 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 कमी है इस चीज़ को और सॉल्व करो ठीक है तो वो चीज़ मुझे अब खत्म होती हुई दिख रही है फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ढेर सारा काम किया है ढेर सारा मतलब बहुत काम किया अपने ऊपर चक्रास बैलेंस करने की कोशिश करी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है मेडिटेट करते हो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो थोड़ा सा कही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ठीक है थोड़े से डाउट्स क्रिएट कर लेते हो कई बार तो वो डाउट क्रिएट करते हुए मुझे डीएम भी लग रहे हैं लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी सीरियसली बहुत खुश हूं मैं आप लोगों के लिए ठीक है वी हैव कंपैटिबिलिटी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में जो भी कंपैटिबिलिटी है ना उसको दोबारा से लेकर आना चाहता है जिंदगी के अंदर देन वी हैव बाउंड्रीज इतने समय से इन्होंने जो भी बाउंड्रीज खींच के रखी हुई थी आपके और इनके रिलेशन में वो चीज खत्म होने वाली है ठीक है ओके okay, और कार्ड्स देख लेते हैं फिर है हमारे पास फॉरगिवनेस ये पर्सन आपसे फॉरगिविंग मांगता है ये पर्सन आपसे क्या मांगता है कि आप इसे क्षमा कर सको आप इसके लिए ना एक तरीके से प्रार्थना करो और इसे क्षमा करो ठीक है इसे माफ करो इसने जो कुछ भी कहा है ना जो कुछ भी किया है मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आकर के आपसे सॉरी भी बोल सकता है ओके देन वी हैव इमोशनल फ्रीडम ये पर्सन आपसे एक तरीके से इमोशनल फ्रीडम चाहता है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा मौका दो सब कुछ सही करने का और आप इतराने वाले हो इस बार मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी चल रही है इन दिनों काफी ज्यादा स्पिरिचुअली मेच्योर हो रहे हो आप बहुत कुछ अच्छा सीखा है आपने ढेर सारे अच्छे चेंजेस आए हैं आपके अंदर और फिर है हमारे पास लाइफ पर्पस यानी कि ये आपका लाइफ का आपकी जिंदगी का मकसद था जो कि आप कंप्लीट करने वाले हो ठीक है चलिए यहां से भी देख लेते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप लोगों को जो भी टीएफ या फिर सोल जर्नी के अंदर है मैं यहाँ पे कार्मिक सोलमेट्स की बात नहीं कर रही हूँ आई एम ऑल ओनली टेलिंग टू यू अबाउट डिवाइनली गाइडेड सोलमेट्स हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन की और टी एफ की बात कर रही हूँ ठीक है सो वी हैव अपॉर्चुनिटी ये पर्सन किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा आपके पास में रोमांस किसी तरीके का रोमांस लेकर आएगा आप दोनों के पास में आपके पास में टेक एक्शन ये पर्सन एक एक्शन लेकर आएगा आपके पास में ठीक है एंड देन वी हैव अफकोर्स यस ये पर्सन आ रहा है आपके पास में वो आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस चलिए यहां से भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए आई होप अच्छा गाइडेंस आए फिर हम कुछ डीएम के मैसेजेस भी देखेंगे उस डेक में से भी देखेंगे मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे वी हैव इमोशंस रनिंग वेरी हाई देन वी हैव कंक्लूजन्स विद इन रीच ठीक है और एक कार्ड और टाइम टू टेक ग्रीप ब्रेथ एक आड़ और मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस कहा था ना ढेर सारे अच्छे अच्छे बदलाव आने वाले हैं आपके जिंदगी में इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो रखे हैं आपके इन दिनों आपको भी ढेर सारे साइन मिल रहे होंगे ढेर सारी बटरफ्लाइज रेपिटेटिव नंबर सिक्सटी नाइन नाइनटी सिक्स दिख रहा होगा उस पर्सन का नाम दिख रहा होगा आपको एक अंदर से अजीब से बेचैनी होगी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दाई या बाई आंख फड़क रही हो ठीक है और आपको लग रहा हो यार क्या अच्छा या क्या बुरा होने वाला है मेरे साथ में सपनों में वो पर्सन आ रहा हो अजीबो गरीब सपने आ रहे हो अगर इस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं ना तो कंग्रेचुलेशन गाइज आप लोगों का यूनियन बहुत करीब है ठीक है एंड आर विद इन रीच दैट मीन्स कि ढेर सारा कंक्लूजन आपको मिलने वाला है कि आगे क्या होने वाला है उसकी गारंटी आपको मिलने वाली है ठीक है आपको एक्चुअल में समझ में आने वाला है की हो गया जो होना था अब मैं बहुत खुश हूं ठीक है टेक टाइम टू डीप ब्रेथ आउट यानी कि आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचने की जरूरत है मैं फिर बता रही हूं हल्का सा नेगेटिव हुए चीजें खराब हो जाएंगी एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस यानी कि ढेर सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आपकी जिंदगी में आने वाले हैं ओके चलिए अब थोड़े से कार्ड देख लेते हैं ओके थोड़े से और मैसेजेस देख लेते हैं थोड़े से और देख लेते हैं ओके सो वी हैव ये निकल दिख रहा है प्लीज कम बैक ओके मैं इन कार्ड्स को ना यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को सारे मैसेजेस दिखा ओके, देन वी हैव थ्री 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 कहा ना मैंने नंबर्स आपको बहुत ज्यादा रेपिटेटिव दिख रहे होंगे विश्वास रखो देखो विश्वास रखो जो हो रहा है भले के लिए हो रहा है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है अगर तुम मिल जाओ दिस इज अ सॉन्ग ओके देन वी हैव क्या मुझे माफ कर पाओगे ये मैंने बोला था ना फॉरगिविंग देख लो कहा गया फॉरगिविंग का कार्ड ये रहा फॉरगिवनेस क्या मुझे माफ कर पाओगे ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि क्या आप इन्हें माफ कर पाओगे फिर हमारे पास डी तो हो सकता है उनका इनिशियल डी हो या फिर जिस जगह से है वो वहां का टी हो सकता है ठीक है प्लीज वेट ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि थोड़ा सा इंतजार करो कमिंग फिर है हमारे पास खाना टाइम पे ओके <laughs> टाइम पे खाना खाया करो भाई फिर है एफ सो so ये उनका इनिशियल हो सकता है कॉस्मिक मैरेजेज हो सकता है ये पर्सन आए और आपको बोले चलो छोड़ो अब हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं बाढ़ में जाने तो चीजों को थ्री 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 प्रोस्पैरिटी आपको प्रोस्पैरिटी और थ्री 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 बहुत ज्यादा दिख रहा होगा अब सहन नहीं होता मैंने कहा ना बहुत ज्यादा स्टक है ये पर्सन प्लीज टॉक टू मी मुझसे प्लीज बात करो ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम कार्ड ही आ गया है यहाँ पे देन वी हैव मैं मजबूर हूं अभी ये सिर्फ और सिर्फ मजबूर है आई ऑल्सो वॉन्ट यू ये भी आपको चाहते हैं लव यू जान कह दो लव यू टू चांद देख लेता हूं या आपकी याद में ना स्टार्स और मून बहुत देखते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू हो सकता है ये डेज आपकी बर्थडे की डेट्स हो या फिर आने वाले दिन जब आप मिलने वाले हैं या फिर हो सकता है सिक्सटीन सेवनटीन एटीन या ट्वेंटी ट्वेंटी वन या ट्वेंटी टू ये आपके ना समय हो जब ये पर्सन आने वाला है आपके पास इन डेट्स को ठीक है फिर है हमारे पास तुम नूर हो एंड देन वी हैव यू ऑलवेज स्टैंड विद मी हम जीत जाएंगे डोंट वरी एंड द लास्टली वी हैव टू तो हो सकता है ये आप लोगों का मूलांक हो या फिर लकी नंबर हो ठीक है सो so गाइज ये थे आपके मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों के यूनियन जल्द जल्दी जल हो जाए गाइज आई रियली विश अच्छा डेक में से तो आंसर्स रह गए रुको ट्विन फ्लेम्स के एनर्जीज में जो पर्सन है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी आप वही सारे काम करते हो जो एक्चुअल में इनको खुश रखने की कोशिश करते हैं यू ऑलवेज गिव मी आर शोल्डर टू प्राय आप हमेशा इनका ध्यान रखते हो यू नो मी बेटर देन एनी वन एल्स ये तो है ही ख है मिर जो करते हो आपस में यू आर माई स्ट्रेंथ और आप इनकी स्ट्रेंथ भी हो सो so गाइज आप लोगों को कैसा लगा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को किसी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं चलिए अपना ध्यान रखिएगा बाय